मनी और फेम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने ऐसा कहकर क्यों क्विट किया लक्ष्मी बॉम्ब का प्रोजेक्ट, मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है 2020 में लक्ष्मी बॉम्ब, जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर आज रिलीज़ हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायरेक्टर राघव लॉरेंस, जिन्होंने कंचना फिल्म डायरेक्ट की थी, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने बोला है कि मनी और फेम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पर्सन का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की आपकी कदर ना की जाए वहाँ से आपको चले जाना चाहिए, वहाँ से क्विट कर देना चाहिए। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये उन्होंने ट्वीट करके खुद बताया है, एक लेटर उन्होंने लिखा है और उनमें उन्होंने लेटर में लिख के बताया है ये बातें कि वैसे तो बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके वजह से मैं क्विट कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये है कि आज जो फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ किया गया है, मेकर्स ने मतलब उनको बिना बताए ये पोस्टर, उनसे बिना डिस्कस किए कि पोस्टर कैसा होना चाहिए, कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, ये बिना उनसे डिस्कस किए पोस्टर आउट हो चुका है, उन्हें बताया भी नहीं गया। इनफैक्ट उन्हें थर्ड पर्सन से ये बात पता चली, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है उनके लिए एज अ डायरेक्टर, या फिर किसी भी डायरेक्टर के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा यू नो पेनफुल होती है कि बिना उनसे डिस्कस किए गए पोस्टर बाहर आ जाता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो सेटिस्फाइड भी नहीं है जिस तरीके से पोस्टर का डिज़ाइन है। ट्वीट करते हुए उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने बताया ये सारी बातें, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अक्षय कुमार की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो उनसे बाकायदा मिलेंगे और उनको वो स्क्रिप्ट हैंड ओवर करके क्विट कर देंगे ये प्रोजेक्ट। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कोई अब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, वो इस प्रोजेक्ट से क्विट करना चाहेंगे और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे, ऐसा उन्होंने पूरे ट्वीट में लिखा है। आप ट्वीट खुद पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि उन्होंने ट्वीट में क्या क्या सारी बातें लिखी हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हुई है, जो भी मैंने आपको बताया है, आप किस तरह से लेते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस फिल्म का, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, पर ये सारी बातें जब सामने आई कि डायरेक्टर राघव लॉरेंस के साथ यू नो ये सारी चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं हमें भी बुरा लगता है और ऐसा फील होता है कि नहीं होना चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही बॉलीवुड गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। हमारे हिंदी फिल्मों के एक्टर्स ने, यानी कि बॉलीवुड के एक्टर्स ने अब धीरे धीरे करके वेब सीरीज पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कंटेंट इवॉल्व हो रहा है, जिस तरीके से दोस्तों दर्शक नए कंटेंट की तलाश में बड़े बड़े वेब सीरीज को देख रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम जैसे अलग अलग चैनल्स को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं ऑनलाइन ज्यादा देख रहे हैं, तो ऐसे में खुशखबरी ये है दोस्तों कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स भी इसमें जंप मार रहे हैं और उसमें एक नया नाम शामिल हुआ है। वो वन ऑफ द वर्सेटाइल एक्टर नहीं स्टार का हुआ है, यानी कि अजय देवगन साहब का हुआ है। चलिए आपको बताता हूँ ये क्या है बात, लेकिन इस बात को बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, विवेक ओबेरॉय ले लीजिए, या आप सैफ अली खान ले लीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ले लीजिए, बॉबी देओल ले लीजिए और अक्षय कुमार ले लीजिए, हर कोई अब वेब सीरीज में जंप लगा रहा है क्योंकि वेब सीरीज में क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव फ्रीडम है और साथ ही साथ मुंह मांगी कीमत भी है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसमें नया नाम जो जुड़ा है वो अजय देवगन जी का जुड़ा है। दे दे प्यार दे रिलीज होती है, रिलीज से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं, तो उसमें इंटरव्यूज के दौरान उनसे पूछा जाता है कि क्या अजय देवगन को हम वेब कंटेंट करते हुए नजर आएंगे, वेब कंटेंट में हम उन्हें देख पाएंगे या नहीं। यहां पर वो कहते हैं कि अगर वेब कंटेंट अच्छा हुआ तो डेफिनेटली मैं उसमें काम करूंगा। सो भाई, मुझे तो लग रहा है कि अब अगला नाम जो है अजय देवगन साहब का ही आएगा। आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके का कंटेंट करेंगे? क्या वो सैफ अली खान की तरह रियलिस्टिक कंटेंट करेंगे या फिर अक्षय कुमार साहब की तरह एक एक्शन कंटेंट करते हुए नजर आएंगे? भाई कमेंट सेक्शन आपका है, मुझे जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, मैं आपको इसी तरीके की दिलचस्प बातें बताता रहूंगा।